माय नेम इज़ आशीष कुमार। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन करेंगे। 4.2 का सॉल्यूशन होगा। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट थर्ड जो वीडियो बनाई थी उसमें 4.2 का इंट्रोडक्शन किया था। उसमें हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उन 6 प्रॉपर्टी की हेल्प से हम आज एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 4.2। और उस एक्सरसाइज में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रॉपर्टी की हेल्प से होंगे, तो आपको सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो मैंने पहले से ही प्रॉपर्टी लिख दी है, तो थोड़ा देख लेते हैं प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था, किसी भी डिटरमिनेंट का, कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। मींस कि हम उसका क्या कर दिया है, रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दिया जाए, तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसका डिटरमिनेंट होगा वो पहले वाले डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को, कोई भी दो रो और दो कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज किया जाएगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, पहले वाले से नेगेटिव हो जाएगी। यदि डिटरमिनेंट ए है तो यदि हम उसको इंटरचेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। थर्ड क्या है कि किसी भी डिटरमिनेंट में के की मल्टीप्लाई होगी, तो डिटरमिनेंट में जो के की मल्टीप्लाई होगी या तो किसी एक रो में होगी या किसी एक कॉलम में होगी। जैसे ये दिखाई दे रखा है कि के की डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो या तो रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं के की, या किसी एक कॉलम में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, किसी भी दो रो या दो कॉलम की वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाए। जैसे ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, दिख रहा है एलिमेंट। जब टू रो या टू कॉलम के जो वैल्यूज़ होंगे आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इस तरह से फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपको कोई भी रो और कोई कॉलम से आपको क्या दिया गया है, कोई एलिमेंट दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे R1 रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस 2 R2, इस तरह से हम क्या सकते हैं, कॉलम में भी लगा सकते हैं कि C1 इज टू C1 प्लस 2 C2। ठीक है। हम जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसमें किसी अदर रो या कॉलम के किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। और सिक्स प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी आपको ऐसा एक डिटरमिनेंट गिवन है जिसमें कोई वैल्यू, कोई रो या कोई कॉलम में कोई वैल्यू ऐड है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करके दो डिटरमिनेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये दोनों वैल्यू में कोई एडिशन नहीं है, तो मैं इसको ऐसे एज इट इज लिख दिया। ये दोनों वैल्यू क्या है, एडिशन में है, तो इस वाले फर्स्ट टर्म को हम अलग और सेकेंड टर्म को हम अलग लिख सकते हैं, तो दो डिटरमिनेंट आपको दिख रहे हैं। तो इसी का, इन सभी की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम चैप्टर 4.2 देखेंगे। तो लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को यूज़ कीजिए डिटरमिनेंट में विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, और प्रूफ कीजिए कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ज़रा देखें, ये कुछ ऐसा ही वर्क कर रहा प्रॉपर्टी 6 की तरह। देखो जरा, सी प्लस डी है यहाँ पर, एक्स प्लस ए। इसका मतलब क्या है, जब कोई रो या कॉलम में कोई वैल्यू एक दूसरे के एडिशन में, तो उसे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे, एक्स वाई जेड ए बी सी और फर्स्ट डिजिट एक्स वाई जेड एक डिटरमिनेंट में, और फिर ए बी सी जो होगा वो सेकेंड डिटरमिनेंट में, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड डिटरमिनेंट में। तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेम ही है, ये सेकेंड कॉलम है। ठीक है। हमने भी इसको यूजिंग क्या किया, यूजिंग प्रॉपर्टी 6, हमने इसमें 6 प्रॉपर्टी यूज़ किया जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ प्रॉपर्टीज़ को। देखें, मैंने 6 प्रॉपर्टी आपको लिखवा दी। इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये और ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि C1 एंड C3 कॉलम आर आइडेंटिकल इन फर्स्ट डिटरमिनेंट एंड C2 and C3 आर आइडेंटिकल इन डिटरमिनेंट सेकेंड डिटरमिनेंट। ठीक है ना। तो इसमें ये सेम है और इसमें ये सेम है, तो कह सकते हैं कि दोनों सेम थे, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो, पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो हमने ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करी है, प्रॉपर्टी यूज़ करी है फोर्थ, जिसमें दो रो या दो कॉलम क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इसमें देखो जरा, दो कॉलम एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसमें क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टी 4 हमने की है, जिसमें दो कॉलम या दो रो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें दो कॉलम इक्वल हैं, ठीक है, C1 है, इसमें C1 और C3, और इसमें C2 और C3, ठीक है, आइडेंटिकल है। इसको हम किसी और मेथड से भी कर सकते हैं क्या, इसको क्या हम किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पहले 6th यूज़ करी, देन 4 यूज़ करा, क्या आप किसी और प्रॉपर्टी की हेल्प से भी इसे कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात,
नहीं तो आप इतना भी ठीक है, मैं एक और मेथड से करा देता हूँ, सेकंड मेथड, जिससे थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप इसी प्रॉपर्टी से करो, इसी मेथड से करो, आपको जो भी मेथड यूज़ करना है बस आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ही करें। तो हम इसे और किसी और मेथड देखते हैं। डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, उसका आपको ज़ीरो प्रूफ करना है। तो मैं एल एच एस सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। मैं इस प्रॉपर्टी में, इस डिटर्मिनेंट में आपको प्रॉपर्टी फिफ्थ यूज़ करता हूँ। देखो ज़रा, मैं एक्स में ए ऐड कर दूँ, वाई में बी ऐड कर दूँ, जेड में सी ऐड कर दूँ, तो ये बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि मैं सी वन कॉलम में चेंज करना चाहता हूँ, सी वन प्लस वन इंटू सी टू। क्या कर रहा हूँ कि सी वन में चेंज कर रहा हूँ, सी वन में चेंज कर रहा हूँ कि क्या चेंज कर रहा हूँ कि सी वन को ऐड करना है सी टू में वन की मल्टीप्लाई करके। देखो ज़रा, हम टू आर टू कर रहे थे या टू सी टू, मतलब क्या हुआ कि जिस कॉलम या जिस रो में आप चेंज करना चाहते हो उसमें किसी अदर रो या कॉलम की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। तो वन स्केलर है, उसकी हमने किसी अदर कॉलम से मल्टीप्लाई करके सी वन में ऐड कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सी वन में चेंज हो रहा था, एक्स प्लस ए हो जाएगा क्योंकि वन इंटू ए ए ए प्लस एक्स एक्स, तो वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। इसमें चेंज नहीं था, ये ऐसी रहेगा, इसमें भी चेंज नहीं है, ये भी ऐसी रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ, प्रॉपर्टी यूज़ करी है, यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ। ठीक है ना, अब लिखे ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है। देखे ज़रा, इसमें ये दोनों इक्वल हो गए, सी वन एंड सी थ्री कॉलम आर आइडेंटिकल। जब ये आइडेंटिकल हो गया तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, और यही हमें प्रूफ करना था। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई आइडेंटिकल वाली, फोर्थ, जिसमें दो रो और दो कॉलम इक्वल होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो आइडेंटिकल हो जाते हैं और वो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। तो प्रॉपर्टी की हेल्प से आप किसी भी तरीके से करें, बस प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होनी चाहिए, एक्सपेंड ना हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में क्या है कि आपको दे रखा है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी इज कॉस्ट टू जीरो। तो आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो प्रूफ करना है प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो कैसे कर सकते हैं, इसके भी आपको जितने मेथड आप समझ सकें उतना अच्छा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें चेंज कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, सी वन में चेंज कर रहा हूँ, मैं सी वन में चेंज कर रहा हूँ सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है मैंने, प्रॉपर्टी यूज़ करी है फिफ्थ। क्यों, जिसमें हम चेंज करते हैं उसके अलावा जितने भी कॉलम या रो हों उनमें किसी स्केलर की मल्टीप्लाई, इसमें वन की मल्टीप्लाई हो रही है, वन लिखा नहीं है पर वन की मल्टीप्लाई हो रही है। तो सी वन में क्या कर रहा हूँ, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री तीनों कॉलम को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एल एच एस कर रहे हैं हम लोग, इसमें इन तीनों को ऐड कर रहे हैं। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सी वन में इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, फिर इस तरह से बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, इसमें इन दोनों को ऐड कर दिया, इस तरह से इस वाले में इन दोनों को ऐड कर दें, सी माइनस ए फर्स्ट वैल्यू और कॉलम टू और कॉलम थ्री को ऐड कर रहे हैं, कॉलम टू कॉलम थ्री ऐड हो गया। इनमें कोई चेंज नहीं था, एज इट इज़ रहेंगे, जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं वो वैल्यू ऐसे ही। ये हम पहले भी चैप्टर थ्री मैट्रिक्स में एलिमेंट्री में सीखे थे ऐसा करना। ठीक है ना, अब देखें, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल और सी से सी कैंसिल, इस तरह से यहाँ भी सारी वैल्यू कैंसिल हो जा रही हैं, यहाँ भी वैल्यू सी माइनस का इधर भी है, ए प्लस माइनस, बी प्लस माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो। ठीक है, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, तो आपको पता है किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, कोई एक रो या कोई एक कॉलम ज़ीरो हो जाए, उसके सभी एलिमेंट ज़ीरो हो जाए, तो वो पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। ऑल एलिमेंट इन सी वन आर ज़ीरो, क्या है, सी वन कॉलम में सभी एलिमेंट कितने हैं, ज़ीरो हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये भी एक प्रॉपर्टी है, वो हम लोगों ने पहले वाली प्रॉपर्टी की तरह किया, इसमें सिक्स प्रॉपर्टी बताई थी,
बट इस सिक्स प्रॉपर्टी से थोड़ा अलग है, इसे सेवन प्रॉपर्टी मान सकते हो, बट हमने सिक्स ही प्रॉपर्टी समझी अब तक। बट ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, किसी डिटर्मिनेंट में सारे रो या सारे कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, अब इसी को हम सेकेंड मेथड से कर सकते हैं। कैसे? ए माइनस बी था, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी। तो किसी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, डिपेंड यह करता है कि आप कौन सा मेथड इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, इसमें हमने यूज़ किया था प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ। इसमें देखते हैं मुझे क्या करना है, डिटरमिनेंट इसका जीरो लाना है प्रॉपर्टी की यूज़ करके। तो मैं LHS कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से क्या होगा, बी से बी कैंसिल तो ए माइनस सी बचेगा, और यहाँ भी सी माइनस ए है तो ए माइनस सी, सी माइनस ए में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस माइनस कॉमन लेने से वो वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आर वन में चेंज कर रहा हूँ आर वन प्लस आर टू। मेरा मोटिव ये है कि प्रॉपर्टी दिखाई दे, प्रॉपर्टी में या तो दो रो कॉलम इक्वल हो जाए, दो रो इक्वल हो जाए या दो कॉलम इक्वल हो जाए सभी एलिमेंट, या कोई एक रो पूरी की पूरी जीरो हो जाए, मतलब प्रॉपर्टी दिखाई दे। तो मैंने क्या किया, आर वन में चेंज कर रहा हूँ कि आर वन में चेंज इसलिए हो रहा है कि आर वन प्लस आर टू कर दें, आर वन प्लस आर टू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर वन के एलिमेंट में ए माइनस बी में बी माइनस सी ऐड कर रहा हूँ, बी माइनस सी में सी माइनस ए ऐड कर रहा हूँ, सी माइनस ए में ए माइनस बी ऐड कर रहा हूँ, और आर टू हमने चेंज नहीं किया, आर थ्री भी चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, हमने इनमें कोई चेंज नहीं किया। देखें जरा, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, और ए से ए कैंसिल, जो जो बच गए उन्हें लिख दें, ए माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पे बी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ सी माइनस बी, ए माइनस बी, और बी माइनस सी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फर्स्ट रो में से माइनस कॉमन ले लूँ। क्या किया मैंने, फर्स्ट रो में से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, या माइनस की मल्टीप्लाई कर दी। इसमें हमने माइनस की मल्टीप्लाई या माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, फिर बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और बी माइनस सी। ठीक है, हमने माइनस क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया या कॉमन ले लिया, मतलब यही है, दोनों जब ए माइनस सी है तो क्या माइनस कॉमन होगा, तो सी माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस लिखना ज़रूरी है। ठीक है ना, अब देखो आर वन और आर थ्री सेम है, आर वन ये सेम है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड जो भी आपको आसान लगे वो आप सॉल्व कर दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस मेथड से करें या इस मेथड से, बस आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, हमने इसमें प्रॉपर्टी ही यूज़ करी है। ठीक है ना, एक्सपेंड नहीं किया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट में देखिए जाना क्या रखा है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और 86 इक्वल्स टू जीरो। आपको LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टी विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है ना, तो मैं इसमें क्या यूज़ करूँ कि बिल्कुल सेम दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाएं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको दो रो को या दो कॉलम को इक्वल करना चाहता हूँ। तो 65 का ऐसा ब्रेक करें जिसमें या तो 2 प्रेजेंट हो या 7 जिसमें से कॉमन लिया जा सके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले हमने क्या किया, कॉलम 3 में चेंज करना चाहते हैं, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 के एलिमेंट को कॉलम 1 के एलिमेंट से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखते हैं, इसके बाद मैं आपको और मेथड दिखाता हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो C1 C2 में तो चेंज हो नहीं रहा, तो इसको तो ऐसे ही लिख लो, C1 C2 के में चेंज नहीं हो रहा, C3 में चेंज हो रहा। तो किस कैसे हो रहा है कि इससे ही से माइनस कर रहे हैं। तो 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 3 72, और 86 माइनस 5 81। ठीक है, LHS हम कर रहे थे, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 63 को हम ब्रेक करें जिसमें 7% हो, ऐसा मल्टीपल देखें जिसमें 7% हो। क्या मल्टीप्लाई होता है जो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 9। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई 9 से करने पर 63 आ जाता है। ठीक है, 72 बताइए,
72 का जो हम लोग फैक्टर करेंगे जिसमें प्रेजेंट होना चाहिए 8, तो क्या होगा 8 9 72, फिर 81 9 × 9 होता है, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि किसी इस जितने नंबर दे रखे हैं कॉलम 3 में उनको ब्रेक किया गया तो मल्टीपल देखा हमने 7 × 9 63, 8 × 9 72, 9 × 9 81, तो इस सभी में 9 क्या है सेम है, कॉलम 3 में 9 बिल्कुल क्या है सेम है, तो मल्टीपल में तो क्या कर सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 3 5 7 8 9 और 7 8 9, ठीक है। और ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ पे यूज़ किया है यूजिंग प्रॉपर्टी 3, बताया था किसी भी स्केलर या किसी भी स्केलर की किसी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पहले से मल्टीपल में है तो इसे कॉमन ले लिया हमने। अब देखें जरा ये दोनों सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए, C2 और C3 आइडेंटिकल है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 9 × 0, इसकी मीन्स 0, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 0, और 9 से मल्टीप्लाई 0 की 0 आ गया, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से भी कर सकते हैं किसी और प्रॉपर्टी से, तो हम डायरेक्ट भी इसे लिख सकते थे, माइनस तो हमें तब भी करना पड़ेगा, नहीं इसे एक्सपेंड फिर करना पड़ जाएगा, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करना मुश्किल है, तो यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ठीक है, इसमें एक ही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। देखें क्वेश्चन नंबर 4th, इसका 4th पार्ट जो है, इसमें हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो देखें जरा कौन से मेथड से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, या तो दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए या कोई प्रॉपर्टी लग जाए, डायरेक्ट जीरो तो नहीं आएगा, यदि मुझे पता है कि इसको कैसे करना है, आप बारी आपको नहीं पता चलेगा कैसे करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कैसे सॉल्व हो रहा है, एक बार में नहीं पता चलेगा, आपसे बार बार प्रैक्टिस करें। तो मैं पहले इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेता हूँ, 1 1 1 LHS सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, BC CA और AB, इसकी मल्टीप्लाई अंदर AB प्लस AC, BC प्लस CA और CA प्लस CB, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको इससे ऐड कर सकते हैं, इसको इससे ऐड कर सकते हैं। अब ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ वैल्यू कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने से हमें दो रो या दो कॉलम इक्वल दिखाई देगा, देखते हैं कैसे। मैंने क्या किया, C3 में चेंज किया C3 प्लस C2, C3 में चेंज कर रहे हैं तो ये दोनों तो ऐसे लिख देते हैं 1 1 1, BC CA और AB, ठीक है। इसमें ऐड कर रहे हैं इसको AB AC और BC, इसमें इसे ऐड कर रहे हैं, इसमें इसे ऐड कर रहे हैं, तो BC CA और CA और CA कैसे हो गया, दोबारा यहाँ BC है, BA है, BA और CA, ठीक है, CA CB और AB देख सकते हो, ये तीनों बिल्कुल सेम हैं, AB BC CA AB BC CA सभी में हैं, AB BC CA AB BC CA, तो इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, जब तीनों एलिमेंट इक्वल हैं रो कॉलम 3 का, तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं, तो AB BC और CA को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या बचा, 1 1 1, BC CA और AB, ये तो एज इट इज़ पहले से ही सेम थे, इसको कॉमन लिया, तो यहाँ कौन बचा, 1 1। अब देखें जरा दो कॉलम आपके इक्वल हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, AB BC और CA इज इक्वल्स इनटू 0 मींस 0, तो आपको RHS 0 फाइंड आउट हो गया। मींस क्या हुआ, हमने इसे क्या किया है, C3 में ऐड कर दिया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि R1 में चेंज करें, R1 प्लस R2 प्लस R3, आप इसकी पोजीशन पे किसी और मेथड से करना चाहते हैं तो R1 में चेंज कीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, आप ये मेथड यूज़ करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस मेथड से भी आंसर आ जाएगा, आप इसे ट्राई करें खुद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th, क्वेश्चन ऑफ 5th में आपको डिटरमिनेंट ये दे रखा है, आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो मैं LHS देखता हूँ, ठीक है, हमारे दिमाग में कोई प्रॉपर्टी आती है और आपके दिमाग में कोई और प्रॉपर्टी आती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देखें कि इसे सॉल्व करके आप इसे बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं बस, ठीक है। तो मैं इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, मैंने क्या यूज़ किया, फर्स्ट टाइम जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो R1 में चेंज कर रहा हूँ, R1 R2 और R3, R1 में इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B,
आर वन में आर टू प्लस आर थ्री ऐड कर दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से क्यू प्लस आर में आर प्लस पी और पी प्लस क्यू ऐड कर दिया, वाई प्लस जेड में जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई ऐड कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को हमने कोई चेंज नहीं किया था, तो सी प्लस ए, ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू और जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब बी दो बार है, ए दो बार है, सी दो बार है, यहाँ भी सब दो दो बार हैं, तो क्या कर सकते हैं, टू ए बी सी यहाँ पर है, यहाँ पर है टू पी क्यू आर और यहाँ पर कितना है टू एक्स वाई जेड, टू टाइम्स हैं दोनों, ठीक है ना। हमने ऐड करके दो कॉमन ले लिया, इसमें सी प्लस ए, ए प्लस बी, इसमें आर प्लस पी, पी प्लस क्यू और जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, ये पहले से एज इट इज़ है, इनमें कोई चेंज नहीं है। अब इस आर वन में से दो कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन लेने पे ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, इधर बचेगा यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू और यहाँ पर एक्स वाई जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम क्या करें, बनाने की कोशिश करते हैं ए बी सी, तो सबसे पहले ए बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर, तो मैं क्या कर दूं, यहाँ सी और ए है और यहाँ ए और बी है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को माइनस कर लेते हैं जिससे वैल्यू आ जाए, तो मैं यदि इसको इससे इस आर वन को आर टू से माइनस करता हूँ तो सी और ए कैंसिल, तो बी बच जाएगा, तो बी वाले डिजिट तो आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि आर वन में से आर टू माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसे रफ कर देता हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ क्या, आर वन में चेंज कर रहा हूँ आर वन माइनस आर टू, आर वन में चेंज कर रहा हूँ आर वन में से आर टू माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। और टू ये पोजीशन पे अपने है, आर वन में से आर टू माइनस कर रहे हैं और टू अपनी पोजीशन पे, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या सी और ए कैंसिल, बी बचेगा बस। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आर और पी कैंसिल, क्यू बचेगा और यहाँ से जेड और एक्स माइनस हो गए, वाई बचेगा सिर्फ, ठीक है। और आर टू और आर थ्री तो सेम रहेंगे, सी प्लस ए, ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू और जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था टू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो सेकेंड वाली कंडीशन तो आ गई, पी बी क्यू वाई, बी क्यू वाई। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, यदि मैं क्या करूँ, इन दोनों इसको इससे माइनस कर दूँ, इसको इससे माइनस कर दूँ, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ आर थ्री में चेंज कर रहा हूँ आर थ्री माइनस आर वन, आर थ्री में से आर वन माइनस कर दूँ, तो इसमें से माइनस करेंगे तो बी से बी कैंसिल, तो यहाँ ए बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो क्यू कैंसिल, पी बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा, वाई कैंसिल हो जाएगा। और R1 R2 हमने चेंज नहीं किया था, तो B Q Y C प्लस ए, आर प्लस पी और Z प्लस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पर हमें C चाहिए, R चाहिए, Z चाहिए, यहाँ A है तो इसको फिर से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल, P से P कैंसिल और Z से X कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ R2 में चेंज कर दूँ R2 माइनस R3, ठीक है। तो हम कहाँ का चेंज नहीं कर रहे हैं, आर वन में चेंज नहीं कर रहे हैं, आर थ्री में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो चेंज नहीं कर रहे हैं उसे पहले लिख लें ताकि गलती होने के चांसेस ना हो। इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। इनमें हमने चेंज नहीं किया, आर वन और आर थ्री में चेंज नहीं किया, आर टू में चेंज किया है, आर टू में क्या चेंज किया, इससे इसे माइनस कर रहे हैं तो ए से माइनस हो जाएगा तो सी बचेगा ओनली, इससे इसे माइनस करेंगे तो आर बचेगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो जेड, ठीक है। और हमें कुछ ऐसा ही प्रूफ करना था, बट अभी क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है, हमें क्या करना है इसकी पोजीशन चेंज करनी है। कैसे, इसको फर्स्ट पोजीशन पे, इस वाले को थर्ड पोजीशन पे और इस वाले को सेकंड पोजीशन पे लेकर आना है। तो जब भी हम रो को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो पोजीशन चेंज करने से क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा,
पोजीशन चेंज करने से क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा। तो मैं क्या करूँ, इंटरचेंज करता हूँ। मैंने क्या किया, आर वन को इसको हम सेकंड पोजीशन में करना चाहते हैं ना, तो आर वन को इंटरचेंज कर रहा हूँ आर टू से, आर वन को इंटरचेंज कर रहा हूँ आर वन को इंटरचेंज कर रहा हूँ आर टू से। तो इसकी इस पोजीशन पे ये और इसकी पोजीशन पे ये लिख देंगे, ठीक है। तो आर वन को इंटरचेंज कर रहा हूँ आर टू से, तो पहले लिखेंगे इंटरचेंज का मतलब क्या, आर टू को पोजीशन पे लिखना है पहले, आर टू के जितने एलिमेंट है उसको पहले लिखना है, सी आर जेड, और आर वन की वैल्यू को सेकेंड पोजिशन पर, ठीक है। और आर थ्री को तो हम चेंज कर ही नहीं रहे थे, तो एक माइनस का टू आ गया, ठीक है। जब भी आपको पता है कि इंटरचेंज होता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, और ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी माइनस में आता है। फिर से क्या करें, चेंज करें, हमें बी क्यू आर बी क्यू वाई सेकेंड पोजिशन में चाहिए था, वो तो आ गया, बट इन दोनों को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, सी और ए को भी। तो क्या कर दूँ, चेंज कर देता हूँ कि आर थ्री इंटरचेंज आर वन, तो एक और माइनस आ जाएगा, एक और माइनस आने से ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज होने में माइनस आता है, तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आ गया, और टू पहले से पोजीशन पे था, ठीक है ना। तो इंटरचेंज होने से क्या आ जाएगा, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, टू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, एक माइनस पहले से, एक बार और इंटरचेंज किया, मतलब दो बार इंटरचेंज करने से क्या होगा कि दो माइनस आएगा, माइनस दो होने का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, इसको और किसी मेथड से भी करना चाहे तो हो जाएगा, इसको प्रॉपर्टी सिक्स की भी हेल्प से भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सिक्स में बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप कर सकें। जैसे यहाँ स्प्लिट किया है, यहाँ पर क्या था, कुछ वैल्यू एडिशन में थी, तो उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते चले जाएंगे, और जितने बार स्प्लिट करते चले जाएंगे तो प्रॉपर्टी सिक्स में क्या करते थे, जब कोई वैल्यू एडिशन में तो सब क्या करते, मैट्रिक्स एक अदर डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो उस तरीके से भी हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन सिक्स, इसके फर्स्ट पार्ट के सिक्स में क्या कर रखा है, एक डिटर्मिनेंट गिवन है जिसकी वैल्यू को जीरो प्रूफ करना है प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो मैं इस डिटर्मिनेंट में LHS सॉल्व करता हूँ, जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी, इसको भी हम दो टाइप से कर सकते हैं, आपको जो मेथड आसान लगे उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ अभी, कि इसमें सी की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में और सी से ही डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सी की मल्टीप्लाई और सी से ही डिवाइड, ठीक है, हम किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो इस सी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर वन में, तो सी इंटू जीरो जीरो, सी इंटू ए ए सी, और सी इंटू बी माइनस बी सी, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू अपनी पोजिशन पर, और वन अपॉन सी अपनी पोजिशन पर, क्योंकि इस सी की मल्टीप्लाई कर दी हमने, क्या किया आर वन में मल्टीप्लाई किया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं आर वन में चेंज करना चाहता हूँ आर वन माइनस बी आर टू, बी आर टू मीन्स आर वन में चेंज करना चाहता हूँ इस आर टू में बी की मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, क्या करना है। तो मैं इस में क्या कर रहा हूँ, वन अपॉन सी अपनी पोजिशन पर आर वन में चेंज कर रहे हैं, इसको इसमें बी की मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, जीरो माइनस बी की मल्टीप्लाई करके ए में माइनस करना है, तो माइनस करना है तो एक माइनस पहले से ही प्रेजेंट है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ए बी आ जाएगा, तो ए बी आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। इसमें बी की मल्टीप्लाई करूँगा जीरो होगा, बी इंटू जीरो जीरो, और इसको ऐड करूँगा तो ए सी ही रहेगा। इसमें बी की मल्टीप्लाई करूँगा तो बी सी, बी सी माइनस का है माइनस बी सी, तो कितना हो जाएगा माइनस बी सी प्लस बी सी जीरो हो गया, तो ये वैल्यू तो आपका जीरो हो गई। और आर टू और आर थ्री में हमने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर ये वाला नहीं समझ में आया लास्ट वाला कि हमने कैसे किया, देखो इसको पहले लिख लो यहाँ पर समझने के लिए। आर वन में चेंज किया आर वन माइनस बी आर टू, ठीक है, तो आर वन की डिजिट क्या है जीरो, आर वन की पोजिशन पर जीरो लिखो, माइनस बी इंटू आर टू की वैल्यू कितनी है माइनस ए, आर टू की पोजिशन पे माइनस है, सॉल्व करेंगे तो ए भी आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई ए भी। इस तरह से फिर से मैं सेकेंड वैल्यू को सॉल्व करूं, अभी मैंने आर वन की जीरो रखा तो ए भी आ गया, ए भी आ गया। अब मैं ए सी रखता हूं आर वन की पोजिशन पे, ए सी माइनस बी,
आर टू की पोजीशन पे क्या है, जीरो, तो जीरो इंटू बी जीरो, तो ए सी को माइनस करूँगा जीरो से तो ए सी आएगा, देखो ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपको, ये बारी बारी से आपको खुद करना होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखें आर वन में ए हर एक पोजीशन पे है, यहाँ ए की मल्टीप्लाई करूँ कोई चेंज हुआ क्या, जीरो। इस ए को हम कॉमन कर सकते हैं ना, तो देखें ज़रा क्या हो गया, वन अपॉन सी पहले से था, मैंने ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, बी सी ज़ीरो, बी सी ज़ीरो माइनस ए ज़ीरो माइनस सी और बी सी ज़ीरो, बी सी और ज़ीरो। देखिए आर वन और आर थ्री सेम है, आर वन एंड आर टू आर थ्री आर आइडेंटिकल, जब सेम है इसका मतलब क्या हुआ, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी और फिर सारा वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जब दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो वो वैल्यू की डिटर्मिनेंट क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो ये डिटर्मिनेंट पूरा पूरा ज़ीरो होगा। हमें यही प्रूफ करना था, हम इस किसी और मेथड से भी करना चाहें तो हो जाएगा, जैसे माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने के बाद सारी वैल्यू को एक दूसरे से ऐड करके सेम ऐसा ही बना सकते हैं, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो आप अपने तरीके से इसे ढूंढने की कोशिश करें कि इसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये आपको करा दिया, पर आपको पेपर में यदि ये मेथड याद नहीं रहा कि सर ऐसा ही किया है, सी की मल्टीप्लाई सी से डिवाइड, तो आप क्या करें, किसी भी तरीके से कोशिश करें, अब प्रॉपर्टी यूज़ करके ज़ीरो लाना है आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप इसी प्रॉपर्टी को लर्न करें रट लें कि इसी तरीके से होगा, नहीं, आप अपने मेथड को भी थोड़ा लगाने की कोशिश किया करो कि हाँ सर वहाँ तक पहुँचना है तो मैं क्या करूँ, प्रॉपर्टी यूज़ करना है, चाहे कितनी लंबी सॉल्यूशन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस प्रॉपर्टी यूज़ करना है, बस एक्सपेंड मत कीजिएगा क्योंकि इसमें एक्सपेंड करने को मना किया गया है। चलिए तो आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेवन पार्ट में कह रहा है, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो LHS देखते हैं, LHS में हम क्या करें, आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है वहाँ तक पहुँचना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है आपको देख के पता चलना चाहिए, बारी बारी से करते रहोगे, कई बार रिपीट करके सॉल्व करते रहोगे तो आपको देखते ही पहुँच जाएगा इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। देखें R1 में से, देखो R1 दिख रहा है, R1 में सभी में A प्रेजेंट है, R2 में B प्रेजेंट है और R3 में C प्रेजेंट है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से A कॉमन ले लूँ, A कॉमन आ गया, इसमें से B कॉमन ले लूँ, इसको इसमें से C कॉमन ले लूँ, तो फर्स्ट रो में से A कॉमन लिया तो माइनस A B और C बचा, इसमें से B कॉमन लिया तो क्या बचेगा, A माइनस B C, और इसमें C कॉमन लिया तो A B और माइनस C, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब सॉल्व करना है आपको A B C, देखे ज़रा इसमें से कॉमन ले लें, फिर से R और कॉलम वन में से A कॉमन ले लें, कॉलम B में से B कॉमन लें, कॉलम C में से C कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने के बाद वैल्यू आ जाएगी, तो पहले कॉमन लें, इसमें से भी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा और फिर सी स्क्वायर है, इसमें से ए कॉमन लिया तो ए स्क्वायर, इसमें से बी कॉमन लिया तो बी स्क्वायर और इसमें सी कॉमन लिया तो सी स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ, माइनस वन 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 माइनस वन वन, इसमें वन वन माइनस वन, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ए बी सी पहले हमने कॉमन लिया था आपके रो में से, अब हमने क्या किया, ए बी एंड सी टेकिंग आउट C1, C2 एंड C3, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया, तो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब हमें क्या करना है, फोर देखना है, फोर कैसे आएगा, मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइन कर लिया, मुझे फोर लाना है यहाँ पर, तो मैं इस क्या करूँगा, इस डिटर्मिनेंट को क्या करूँगा, सॉल्व करके कुछ एलिमेंट को ज़ीरो बनाने की कोशिश करूँगा, तो मैं पहले इसे लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ आर टू माइनस आर थ्री, आर टू में चेंज कर रहा हूँ, आर टू माइनस आर थ्री कर रहे हैं, डेल्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, मैंने आर वन में कोई चेंज नहीं किया है और आर थ्री में कोई चेंज नहीं किया, आर टू में चेंज किया, इसको इससे माइनस किया ज़ीरो आया, इसको इससे माइनस करेंगे माइनस टू आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे प्लस का टू आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से मैं कोशिश करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी लगा के इन दोनों को ऐड करता हूँ, फिर जीरो हो जाएगा एक वैल्यू, तो मैं आर थ्री में चेंज कर रहा हूँ, आर थ्री प्लस आर वन
डेल्टा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आर थ्री में चेंज कर रहे हैं तो आर वन में कोई चेंज नहीं है, आर टू में भी कोई चेंज नहीं है, आर थ्री में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आर थ्री में क्या चेंज, इसको इससे ऐड कर देंगे, तो वन में माइनस वन ऐड करेंगे जीरो, वन में वन ऐड करेंगे टू, माइनस वन में वन ऐड करेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक। ये हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, मुझे इसे एक्सपेंड कर देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आएगा, हम क्या कर रहे हैं, किसी फर्स्ट कॉलम के एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन कॉलम, सी वन कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस वन ब्रैकेट माइनस वन पर एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल लाइन, तो माइनस टू 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 जीरो, मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू माइनस वन, मल्टीप्लाई करें ज़रा, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, माइनस टू इंटू टू फोर, माइनस जब हम क्या करते हैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन फोर, इट मीन्स फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये डेल्टा की वैल्यू, यही हमें फाइंड करना था आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल टू कितना हो गया, आर एच एस। तो फर्स्ट काम ने सेवन पार्ट कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एट में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है। इसमें आपको प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी है और इसको एक्सपेंड भी करना है, बस आपको ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस फाइंड आउट कर लेना है। तो क्या करें, आपको कोशिश ये करनी है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ए माइनस बी लाना है, तो मैं क्या करूँ, ए में से बी माइनस कर दूँ, तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यदि माइनस करता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, ए माइनस बी चाहिए, फिर बी माइनस सी चाहिए, तो बी में सी माइनस कर दूँ, फिर सी माइनस ए चाहिए तो सी में से ए माइनस कर दूंगा। तो ये हम क्या करेंगे, इस आर एच एस को देख कर ही हम एल एच एस में क्या करेंगे, मेथड लगाएंगे ताकि ये सॉल्व हो सके, ये बन सके, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, आर वन में चेंज कर रहा हूँ, आर वन माइनस आर टू, वन माइनस वन ज़ीरो, ए माइनस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आर वन में चेंज किया तो सिर्फ आर वन में चेंज हुआ, आर टू और आर थ्री में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब हमने एक ज़ीरो बना लिया, क्या कर सकते हैं, इसमें से ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या किया हमने, आर वन में से ए माइनस बी कॉमन लिया, क्योंकि जीरो के पास हमेशा ए माइनस बी प्रेजेंट होता है, जीरो के पास हमेशा ए माइनस बी प्रेजेंट होता ही होता है, क्यों, क्योंकि जीरो इंटू ए माइनस बी जीरो ही होगा। तो इसमें से ए माइनस बी कॉमन लिया, इसमें से ए माइनस बी कॉमन लिया, इसमें से भी ए माइनस बी कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर वन और यहाँ पर ए प्लस बी, क्योंकि पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में अगर माइनस में, तो माइनस कॉमन आ गया तो ए प्लस बी बचा, यहाँ पे क्या बचा, वन वन बी सी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, ए माइनस बी हमें कॉमन चाहिए था आ गया, अब बी माइनस सी देखेंगे, तो आर टू में से आर थ्री माइनस कर दूँ, तो आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है। तो ये ए माइनस बी अपनी पोजिशन पर, वन वन ए प्लस बी, आर वन में कोई चेंज नहीं है, इसमें से माइनस करेंगे तो वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो, बी में सी माइनस बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसमें कोई चेंज नहीं था, वन सी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से भी क्या करेंगे, आर टू में से बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, ए माइनस बी पहले ही कॉमन ले चुके हैं, बी माइनस सी अब कॉमन ले ले रहे हैं, तो बचेगा कितना, वन और ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो था ना, ज़ीरो वन ए प्लस बी, ज़ीरो वन बी प्लस सी, ठीक है। अब वन सी सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, इसको एक्सपेंड कर देते हैं सी वन के अलोंग, सी वन के अलोंग एक्सपेंड कर दें, तो ए माइनस बी बी माइनस सी, क्या आएगा, सी वन के अलॉन्ग करेंगे तो इसमें डायगोनल वैल्यू है ना पॉजिटिव होगी, आपको बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
डायगोनल में जितने एलिमेंट होते हैं प्लस के होते हैं, तो ये क्या है, डायगोनल है। हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग सी वन, ठीक है। तो इसमें वन क्या कहें, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, तो वन वन बचेगा और ए प्लस बी और बी प्लस सी। सॉल्व कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी। इस वन का कोई मीन्स नहीं है, वन इंटू बी सी, बी बी प्लस सी, ठीक है। वन की मल्टीप्लाई बी प्लस सी से, बी प्लस सी माइनस वन की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी होगा, बट इससे इससे मल्टीप्लाई करने पे माइनस आता है, तो ए माइनस बी, ठीक है। बी से बी कैंसिल, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और यही हमें फाइंड करना था आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमेशा आर एच एस देखना है। यदि कोई ऐसी वैल्यू जो देखते ही पता चल जाए कि ए माइनस बी का मतलब क्या, इसको इससे माइनस किया गया, बी माइनस सी का मतलब क्या, इसको इससे माइनस किया गया, फिर जब माइनस हो जाएगा तो हमें वैल्यू कॉमन दिखाई दे रही है, इसमें से कॉमन आ रहा है ए माइनस बी, फिर जब हम दोहरा सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो कॉमन भी और वैल्यू भी हमें यहाँ से देख के पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो आपको यहाँ देखना है आर एच एस, एक्स माइनस वाई कहाँ से आ सकता है, एक्स माइनस वाई यदि हम करना चाहें तो कहाँ से आ जाएगा, एक्स में से वाई माइनस कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, इसमें भी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, एक्स माइनस वाई लाने के लिए हमको इनको माइनस करना पड़ रहा है आर वन को आर टू से, फिर वाई जेड लाने के लिए आर टू में से आर थ्री माइनस करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँ, पहले आर वन में चेंज करूँ आर वन माइनस आर टू, तो क्या आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे, एल एच एस देख रहे हैं हम लोग, एक्स माइनस वाई आर वन में चेंज किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। और इनमें कोई चेंज नहीं था, इसमें से मैं जेड कॉमन ले लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, जेड वाई माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन ले ले रहा हूँ, एक्स माइनस वाई, तो क्या बचेगा वन, यहाँ एक्स प्लस वाई बच जाएगा और यहाँ पर जेड बचेगा ओनली, ये इनमें कोई चेंज नहीं था तो ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। हमें एक्स माइनस वाई चाहिए था, मिल गया। अब जेड माइनस एक्स के लिए, ओ वाई माइनस जेड के लिए इससे इसे माइनस कर देंगे, तो आर टू में से चेंज कर रहे हैं आर टू माइनस आर थ्री। इससे पहले जो 8th क्वेश्चन किया था हमने कुछ ऐसा ही किया था, वन एक्स प्लस वाई जेड, इसको इससे माइनस करें तो वाई माइनस जेड, इसको इससे माइनस करें तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इससे इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स जेड माइनस, इसको इससे माइनस करेंगे जेड माइनस वाई, यहाँ जेड एक्स था, देख लेता हूँ एक बार, यहाँ जेड एक्स है, यहाँ एक्स वाई है, तो जेड कॉमन ले लें इसमें से, एक्स कॉमन ले ले रहे हैं तो एक्स में जेड माइनस वाई आएगा, ठीक है। अब देखें, हमने यहाँ से इसे माइनस किया था, एक्स को मैंने जेड माइनस वाई, यहाँ पर माइनस का जेड आएगा क्योंकि यहाँ वाई माइनस एक्स है और यहाँ एक्स माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं, एक्स माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं, यहाँ वाई माइनस एक्स है तो कॉमन लेंगे तो माइनस का जेड बचेगा, माइनस कॉमन लेने से वैल्यू क्या हो जाएगी, पोजिशन चेंज हो जाएगी। इसमें भी जेड माइनस वाई है, तो यहाँ से देखते हैं कैसे कर रहे हैं, अभी इस सेकेंड वाले रो कॉलम में से और रो में से वाई माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं, एक्स माइनस वाई पहले ही कॉमन ले चुके थे, अब हम क्या कॉमन ले रहे हैं, वाई माइनस जेड, तो क्या बचेगा डिटर्मिनेंट के अंदर, वन एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कॉमन ले चुके हैं तो वन बचेगा वहाँ पे, यहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं तो वाई प्लस जेड बचेगा, और इसमें से वाई माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ जेड माइनस वाई, तो पोजीशन चेंज करके तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस एक्स, कॉमन लेने का मतलब पोजीशन चेंज, और नीचे वाले में कोई चेंज नहीं था तो जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब मुझे इसे सॉल्व करके क्या लाना है, अब जेड माइनस एक्स लाना है, तो जेड माइनस एक्स तो किसी फॉर्म में नहीं आ रहा, तो क्या करें, कोशिश करें कि इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे इसे माइनस कर दूं, आर वन में से आर टू माइनस कर दूं तो जीरो हो जाएगा, फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर वन में चेंज कर रहा हूँ आर वन माइनस आर टू, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है।
इससे इससे माइनस किया जीरो हो गया, इसको इससे माइनस किया तो वाई से वाई कैंसिल तो एक्स माइनस जेड, इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस जेड प्लस एक्स, ये वैल्यू ऐसे ही वन जेड वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से भी कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जेड माइनस एक्स चाहिए, एक्स माइनस वाई मिल गया, वाई माइनस जेड मिल गया, हमें जेड माइनस एक्स चाहिए, तो क्या करेंगे आर वन में से एक्स माइनस जेड कॉमन ले लें, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन आया तो जीरो बचेगा यहाँ पे, यहाँ से कॉमन आया तो वन, और यहाँ से कॉमन आया तो एक्स माइनस जेड कॉमन लिया तो वन ही तो बचेगा, एक्स माइनस जेड कॉमन लिया तो यहाँ वन बचेगा, और सारी वैल्यू को ऐसे ही एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। अब फिर से एक जीरो बनाना चाहते हैं तो आर टू में सी वन सी टू में सी थ्री को क्या कर दें माइनस कर दें, तो वैल्यू जल्दी सॉल्व हो जाएगी, देखते हैं कैसे, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, जो हमें चाहिए था हमें एक्स माइनस जेड हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, क्या सी टू में सी टू माइनस सी थ्री कर रहा हूँ, तो क्या आएगा सी टू माइनस सी थ्री करने पे, ये वैल्यू तो ऐसी रहेंगे वन जीरो वन जेड, इसको इससे माइनस जीरो, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो वाई प्लस जेड प्लस एक्स, इसको इससे माइनस करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये वन माइनस एक्स एक्स वाई। अब एक्सपेंड कर दें, क्या कर दें एक्सपेंड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों वैल्यू जीरो डायरेक्ट वन वन, ठीक है। अब इस पर एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल लाइन, ये दोनों वैल्यू लिख लें वन जेड वाई जेड एक्स, और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लें, क्या आएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, इसकी इससे मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स जेड, ठीक है। अब एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या करें जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड बचा ना, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, माइनस कॉमन ले लेते एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। ये जो माइनस है, ये जो माइनस है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, इस माइनस जो हमने कॉमन लिया है इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें होगा तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, और ये अपनी पोजीशन पे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यही हमें प्रूफ करना था, ये आरएचएस, ठीक है। तो इसका मतलब प्रैक्टिस करते रहें तब जाके आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इसको सॉल्व करने में, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा लॉन्ग है बट ऐसा ही बिल्कुल सॉल्व करेंगे, जिसमें सारी प्रॉपर्टी यूज़ करते जाएंगे उसे एक्सपेंड करेंगे, लास्ट में आंसर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नंबर 10 में आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है जिसको आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सॉल्व करना है, 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एल एच एस देखते हैं पहले, एल एच एस में हम क्या कर सकते हैं, मैं इस पोजिशन पर आर वन में चेंज करूँ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, हमें कैसे पता कि हमें यही करना है, देखो यहाँ 5x प्लस 4 है तो 4 तो यहाँ प्रेजेंट है पहले से ही, तो x प्लस 2x प्लस 2x 5x हो जाएगा ना, तो 5x आ गया। इसमें भी एलिमेंट तो सभी में एक जैसे ही हैं, 2x प्लस x 3x और 5x प्लस 4 इसमें भी, तो इसका मतलब क्या सभी एलिमेंट को ऐड करने से 5x प्लस 4 आ जा रहा, तो हमने यही मेथड लगाया कि R1 में चेंज कर रहे हैं सभी रो को जोड़ रहे हैं, तो इसमें आ गया 5x प्लस 4, ऊपर भी आ गया 5x प्लस 4 और इसमें भी आ गया 5x प्लस 4, ठीक है। R2 और R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया, ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही एज इट इज़, कोई चेंज नहीं किया इसमें हमने, ठीक है। अब इस R1 में से 5x प्लस 4 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 1 1 2x 2x,
एक्स प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, एक्स प्लस फोर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फाइव एक्स प्लस फोर चाहिए था, हमने फाइव एक्स प्लस फोर निकाल दिया। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और फोर माइनस एक्स तक पहुँचना है। तो मैं क्या कर दूँ, इसमें से कोशिश करता हूँ इन दोनों को जीरो बनाने की। मैं क्या करता हूँ, कॉलम में से जीरो बनाने की, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ ये कि सी वन में चेंज करूँ, सी वन माइनस सी टू, इसको जीरो बना दूँ। अब मैं क्या करूँ, सी टू भी जीरो बना लेता हूँ। तो सी टू में चेंज करूँ, सी टू माइनस सी थ्री, फाइव एक्स प्लस फोर अपनी पोजिशन पे, इसको इससे माइनस जीरो, सी वन में चेंज कर रहे हैं, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, टू एक्स में से एक्स गया, एक्स माइनस का फोर, इसको इससे माइनस करेंगे ज़ीरो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे माइनस करेंगे ज़ीरो, इसको इससे माइनस करेंगे तो फोर माइनस एक्स, इसको इससे माइनस करेंगे तो एक्स माइनस फोर। ओके, इसको इससे माइनस करेंगे, टू एक्स में से एक्स गया एक्स और माइनस का फोर, हमने इसमें चेंज नहीं किया है। सी थ्री में कोई चेंज नहीं किया, हमने सी थ्री ऐसे रख दिया। देखें अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से x माइनस फोर कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी x माइनस फोर कॉमन ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, c1 में से x माइनस फोर कॉमन ले ले रहा हूँ और c2 में से भी x माइनस फोर कॉमन ले ले रहा हूँ, और 5x माइनस फोर अपनी पोजीशन पे है, ठीक है। अब जब c1 में से x माइनस फोर कॉमन लेंगे तो यहाँ तो ज़ीरो बचेगा, यहाँ वन और यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है। इसमें से x माइनस फोर कॉमन लेंगे तो ज़ीरो, x माइनस फोर कॉमन लेंगे तो माइनस वन और x माइनस फोर को मिलेंगे तो वन, ये अपनी पोजीशन पे। अब इसे एक्सपेंड कर दो किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, मैं कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन रो, आर वन रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो फाइव एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो वन लिखेंगे और उस पर एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल लाइन, क्या बचा, वन माइनस वन जीरो और वन। सॉल्व करें, फाइव एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, वन इंटू वन वन, वन इंटू ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, तो वन इंटू ज़ीरो कितना होगा, ज़ीरो, कैंस खत्म हो गया, वन इंटू वन वन। तो क्या बचेगा, फाइव एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर और x माइनस फोर का होल स्क्वायर। अब ये तो आ गया, बच्चे कहेंगे सर यह फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएगा, फाइव एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। चाहे टेंथ के फर्स्ट पार्ट जब इसे पहले क्वेश्चन किया उसकी तरह ही है बिल्कुल। यहाँ देखो थ्री वाई प्लस के है, तो यहाँ वाई 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 थ्री वाई हो जाएगा और के, तो मैं क्या कर दूँ, आर वन में चेंज कर दूँ, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो हमें देखने को मिल जाएगा कि जो एल एच एस में प्रेजेंट है थ्री वाई प्लस के, उसकी तरह ही हो जाएगा। तो एल एच एस सॉल्व कर रहे हैं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन में तीनों को ऐड कर दें तो थ्री वाई प्लस के, इधर भी थ्री वाई प्लस के और इधर थ्री वाई प्लस के, आर टू में कोई चेंज नहीं है और आर थ्री में भी कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। अब इसको कॉमन ले लें, थ्री वाई प्लस के को हमने आर वन में से कॉमन ले, तो वन 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 वाई 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 प्लस के वाई वाई और वाई प्लस के, ओके। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जीरो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सी वन सी टू सी थ्री में से किसी दो को क्या बनाने की कोशिश करते हैं, जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, सी टू को सी थ्री से माइनस कर देता हूँ, सी टू में चेंज किया सी टू माइनस सी थ्री, और C3 से कॉमन किया C3 थ्री माइनस सी वन। सी टू और C3 में चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ कर देते हैं हम लोग चेंज, 3y प्लस के पहले से ही कॉमन लिया था हमने, C2 में चेंज कर रहे हैं C2 टू माइनस सी थ्री, इसको इससे माइनस करेंगे, पहले इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसको पहले लिख लो, C1 में कोई चेंज, इसको इससे माइनस किया जीरो, इसको इससे माइनस करेंगे k, इससे इसे माइनस करेंगे माइनस का k, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो वन में से वन गया ज़ीरो, वाई में से वाई माइनस ज़ीरो, और वाई प्लस के में से वाई माइनस के आ जाएगा, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड कर दो, थ्री वाई प्लस के, ये इसमें से एक कॉमन के आ रहा है, क्या कर रहे हैं, इसमें से एक कॉमन ले ले रहे हैं,
सी टू में से के कॉमा ले ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, वन वाई वाई ज़ीरो वन माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो और के, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग सी थ्री, सी थ्री के अलोंग, क्योंकि यहाँ दो ज़ीरो प्रेजेंट है तो ये आसानी से हो जाएगा, तो थ्री वाई प्लस के इंटू के है पहले से ही, इस पर क्या करेंगे, के लिखेंगे और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, वन ज़ीरो वाई और वन सॉल्व कर देंगे, थ्री वाई प्लस के इंटू के। ये हमने पहले बता चुके हैं कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, जब भी किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उनका साइन क्या होगा। हम देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू ज़ीरो हैं, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो, तो के क्या है, थर्ड टर्म, डायगोनल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो डायगोनल की वैल्यू पॉजिटिव, इस पर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन, तो जो एलिमेंट बचते हैं उसको हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, वन इंटू वन वन, वाई इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो आपका आंसर कितना आ गया, ठीक है, एक के इंटू के दो होगी, के इंटू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर थ्री वाई प्लस के, एक के पहले से प्रेजेंट था और एक के और आ गया, तो थ्री वाई प्लस के, ये आपका आर एच एस हो गया, के स्क्वायर थ्री वाई प्लस के, ठीक है ना। तो टेंथ का सेकेंड भी हो गया। क्वेश्चन इलेवेंथ का फर्स्ट पार्ट, आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसको हमें प्रूफ करना है, आर एच एस के इक्वल ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी को थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स, तो थ्री टाइम्स मतलब क्या, कॉमन लेना है थ्री टाइम्स। तो मैं एल एच एस को सॉल्व करूँ तो मैं क्या करूँ कि आर वन में चेंज कर रहा हूँ, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब ये मुझे कैसे पता कि यही करना है, तो आप देख सकते हो कि इसको इससे ऐड करने पे ए प्लस बी प्लस सी आएगा, इसको इन दोनों से ऐड कर दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इन सबको भी ऐड करेंगे तो ए प्लस बी, और इसको भी ऐड करेंगे तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आ जाएगा, तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो क्या करें, इनको ऐड कर देते हैं, तो इसको इससे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, आर वन में आर टू प्लस आर थ्री ऐड करो, आर वन में आर टू प्लस आर थ्री को ऐड करो, इसको इससे ऐड करें, इसको भी ऐड करें तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसको भी ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया, और हमने सेकंड वाले रो, सेकंड वाले रो, थर्ड वाले रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो उसको वैल्यू को एज इट इज लिख दें, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा वहाँ पे, वन वन बचा, और इन वैल्यू को एज इट इज लिख दो, यहाँ टू सी, यहाँ टू सी, और यहाँ सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है आपको, कोशिश ये करनी है कि कोई वैल्यू ज़ीरो बन जाए और उसे एक्सपेंड करना आसान हो जाए, तो कैसे देखते हैं, यदि मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, कोई दो रो तो आपको दो कॉलम की वैल्यू को ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ तक पहुँच सकें, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ C1 में C1 माइनस C2, और C2 में चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C3, A प्लस बी प्लस सी एज इट इज, इसको इससे माइनस करेंगे ज़ीरो, इसको इससे माइनस करेंगे क्या आएगा, ये माइनस ये, तो आपका आ जाएगा B प्लस सी प्लस ए, इसको इससे माइनस करेंगे ज़ीरो, इसको इससे माइनस करेंगे ज़ीरो, इसको इससे माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस का b माइनस सी माइनस ए आ जाएगा, इसको माइनस करने पे, इसको इससे माइनस करेंगे तो c प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, और ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, हमने माइनस कर दिया, जैसा मेथड लिखा वैसे माइनस कर दिया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से भी इसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन आ सकता है यहाँ पर, इसको इससे माइनस किया है तो 2c में से c गया तो c आएगा, तो यहाँ प्लस का आएगा ना, ये हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो ठीक है, तो कॉमन लेना है मुझे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है, देखते हैं। ये ए प्लस बी प्लस सी पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी वन में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले ले रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, सी वन में से,
कॉलम, ठीक है। सी टू कॉलम में से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले ले रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा डिटर्मिनेंट के अंदर? जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो, इसमें से कॉमन लिया तो जीरो माइनस वन जीरो, जीरो माइनस वन जीरो। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने का मतलब क्या, माइनस कॉमन लेके फिर लिया है, तो माइनस कॉमन ले लूँगा तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, तो कॉमन लेने का माइनस वन। ये वाली वैल्यू ऐसी ही वन टू बी और सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब उसे सॉल्व कर दो एक्सपेंड करके, ए प्लस बी थ्री टाइम्स है, ए प्लस बी प्लस सी तो हमने थ्री टाइम्स लिख दिया, एज इट इज़ वैल्यू को लिख दिया। अब इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन रो, आर वन रो के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, वन एलिमेंट, उस पर एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल लाइन, जो एलिमेंट बच गया उसे लिख लो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ब्रैकेट के अंदर वन, इसकी इससे मल्टीप्लाई वन, इसकी इससे मल्टीप्लाई ज़ीरो, सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आर एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। 11 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकेंड आप खुद देखेंगे और इसके आगे ही क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो सभी लोग इसे ध्यान से कई बार प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा आप कर पाएँ। जिस किसी को दिक्कत होगी वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। जिस किसी को वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अभी अपने सभी दोस्तों को बोलें कि वो इस चैनल पर आएँ और देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, धन्यवाद।